नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 27वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस भवन में हुआ। श्रद्धांजलि समारोह है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुहंसारी लाल शर्मा व अन्य कांग्रेस नेतागणों ने दी श्रद्धांजलि। देश की एकता एवं अखंडता के लिए दिलाई शपथ। अंग्रेजी नेता सुहंसारी लाल शर्मा ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में स्वर्गीय राजीव गांधी का एक अहम योगदान रहा। देख रहे हैं सुरेंद्र भाटिया के साथ अमर सिंह की ये खास रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 27वीं पुण्यतिथि पर आज कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा ने की। इस अवसर पर कांग्रेस के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहां पर उपस्थित जनों को भी देश की एकता एवं अखंडता की शपथ दिलवाई। कांग्रेस नेता होशियारी लाल शर्मा ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में स्वर्गीय राजीव गांधी का एक अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। राजीव गांधी का सपना था कि भारत एक अखंड देश बने, लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतों ने उनकी हत्या करवा दी। उन्होंने कहा कि हमें भी जातिवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिकता के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए देश के विकास हेतु सहयोग करना चाहिए। आज हम हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई है, उनके पुष्पांजलि अर्पित की है और देश की एकता अखंडता के लिए जो हमने आज एक प्रतिज्ञा की है, जो भी राजीव गांधी ने युवा पीढ़ी को जो टेक्नोलॉजी की, आज मोबाइल है, कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, ये सिर्फ सारी योजनाएं राजीव गांधी की देन थी। 21वीं सदी की राजीव गांधी जी ने युवाओं को प्रेरणा दी, देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज इस बात की प्रतिज्ञा की है। हम उनके बताए रास्ते